हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुशांत सिंह, क्वांट 99.48% डायलर। इन दिस वीडियो वी विल लर्न टाइम एंड वर्क वेजेस टाइप प्रॉब्लम। बट गाइस, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड सो दैट दे कैन आल्सो टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। सो इन वेजेस टाइप प्रॉब्लम, दिस इज अ सिंपल बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी दैट शेयर ऑफ मनी और वेजेस डिस्ट्रीब्यूट एज द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ वर्क डन बाय ईच ऑफ देम। नाउ इट माइट बी पॉसिबल दैट दिस सीम्स कॉम्प्लिकेटेड टू यू, सो लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस थ्योरी। So take that I hire three person A, B, C to complete a work, and I promise that I will pay 1,000 as a salary or wages. Let's suppose A will do 1/4 of the total work. 1/4 of the total work. B will do half of the total work. C will do the remaining work, that is 1/4 of the total work. Okay, so now a statement is saying that the distribute wages distribute ratio of the share of work done by each of them means that in like A did 1/4 of the total work means A ne वन वर्क या आउट ऑफ द टोटल फोर मीन्स वही जो रेशियो ऑफ जो वर्क है उसके रेशियो में पैसे डिवाइड होंगे। नाउ क्या होगा अब कि लाइक ए विल गेट 1/4 ऑफ द वेजेस, 1/4 ऑफ द 1,000, सो हाउ मच 250। बी विल गेट हाफ ऑफ द वेजेस क्योंकि ये आधा काम किया है, हाफ सो 500। C will get 1/4 of the wages, that is 250. So simple is that like wages type problem में जो wages distribute होते हैं वो ratio of work जो किए हैं each of them each person उसके ratio में पैसे distribute होते हैं। I bring two question, I think this is clear to you. So, मैंने दो क्वेश्चन लाए हैं पास्ट कैट के, एक 2017 और एक 2021 के। सो उसको सॉल्व करते हैं सो दैट कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले कॉन्सेप्ट का। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सो आप रीड करो इसको साथ में, रीड करते हैं। अमल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, बीमल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। अमल, बीमल एंड कमल टुगेदर कंप्लीट द जॉब इन 4 डेज एंड आर पेड अ टोटल अमाउंट ऑफ 1,000। इफ दिस अमाउंट इज शेयर्ड बाय देम इन प्रोपोर्शन टू देयर वर्क देन कमल का शेयर कितना होगा। सो सिंपल, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल वर्क एज्यूम कर लेंगे, एलसीएम मेथड लेते हैं, टोटल वर्क एज्यूम कर लेंगे कितना हो, ले लें 80। सो अमल का इफिशियंसी कितना होगा, 80 डिवाइडेड बाय 10 मींस 8। बीमल का इफिशियंसी क्या होगा, 80 डिवाइडेड बाय 8, 80 डिवाइडेड बाय दैट इज 10। अब क्या बोल रहे हैं, अमल, बीमल एंड कमल टुगेदर कंप्लीट अ जॉब इन 4 डेज। सो अमल प्लस बीमल प्लस कमल दोनों 4 दिन मिलके टोटल वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल वर्क मतलब 80 यूनिट जो हमने एज्यूम किया है। सो यहाँ से मुझे कमल का इफिशेंसी मिलेगा, तो ये 20 हो गया। अब 10 प्लस 8 18, ए बी टोटल 18 होगा। सो के का इफिशेंसी कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। 2 यूनिट।
अब क्या निकालना है? तीनों को 1000 रुपये मिल रहे हैं काम कंप्लीट करने को, अब मुझे कमल का शेयर निकालना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो शेयर है वो डिवाइड होता है जिस रेशियो में उन्होंने वर्क को कंप्लीट किया उस रेशियो में। सो अब देखो कमल का रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे क्या है कि कमल अब कितना यूनिट वर्क किया। तो देखो कमल तो 4 दिन ही काम किया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है अमल विमल एंड कमल टुगेदर कंप्लीट द जॉब इन 4 डेज। सो कमल 4 दिन कर रहा है और 1 दिन में 2 यूनिट कर रहा है, सो वो टोटल 8 यूनिट करेगा। टोटल वर्क कितना है? 80 यूनिट। और कितने पैसे मिल रहे हैं? 1000। 1000, सो 10 100 रुपीज, 100 रुपीज कमल का शेयर है। तो दिस इज द वन मेथड। अब देखो यहाँ पे ये इतना तक प्रोसेस सिंपल रहता है, अब यहाँ पे चीजें हम कुछ अलग कर सकते हैं, और किस टाइप के प्रॉब्लम में अलग कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पे 8 8 निकाला, यहाँ कमल ने 8 यूनिट वर्क किया 4 डेज में। सो इसको बिना निकाले भी हम शेयर निकाल सकते हैं। कौन से प्रॉब्लम में? जब क्वेश्चन सेट की जितने भी पर्सन है वो टुगेदर काम कर रहे हैं। अगर वो टुगेदर काम कर रहे हैं तो जितना उनका इफिशियंसी है उसी के रेशियो में वेजेस डिवाइड होगा। सो हम लोग को कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने का कि कितना यूनिट के वर्क किया और ए वर्क किया और बी वर्क किया। सिंपल हम लोग इफिशियंसी के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, उससे भी मुझे वेजेस निकल जाएंगे। सो 2 डिवाइडेड बाई व्हाट? 20 इनटू 1000, सो 10 100, सॉरी 100 आंसर। सो जब भी क्वेश्चन में बोले कि जितने भी पर्सन हैं वो टुगेदर काम कर रहे हैं और साथ में ही वो लोग कंप्लीट किए, ऐसा नहीं कि टुगेदर 2 4 दिन किए फिर कोई अकेले कर रहा है, उस कंडीशन में हम लोगों को जितना यूनिट वर्क एक पार्टिकुलर पर्सन कर रहा है उसके रेशियो में हम लोग वेजेस निकालेंगे। बट इफ ऑल द पर्सन वर्क टुगेदर तो उस कंडीशन में हम लोग इफिशियंसी के रेशियो ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग वेजेस निकाल सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर क्लियर है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन है 2021 का, सो रीड करते हैं क्वेश्चन को। अनिल कैन पेंट अ हाउस इन 12 डेज, वरुण कैन पेंट अ पेंट इट इन 16 डेज। अनिल वरुण एंड चारू अंडरटेक टू पेंट द हाउस फॉर 24,000, मीन्स 24,000 इनको सैलरी और पैसे मिलेंगे वर्क कंप्लीट करने को। थ्री ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द पेंट इन 6 डेज। इफ चारू इज पेड इन प्रोपोर्शन टू वर्क डन बाय देम देन द अमाउंट रिसीव बाई हिम इज व्हाट? सो चारू का पैसे निकालना कि वो उसको कितना मिले हैं। सो सिंपल यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क का ज्यूम कर लेते हैं। कितना ज्यूम कर ले? टोटल वर्क 192, 192 या 192। सो अनिल का एफिशिएंसी हो जाएगा 16, बीमल का एफिशिएंसी हो जाएगा 12 एंड व्हाट? 3 ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द पेंटिंग इन 6 डेज। सो अब मुझे चारों का एफिशिएंसी निकालना है। सो ए प्लस बी प्लस सी इनटू 6 इक्वल टू 192। सो 6 3 जा 12। सो सी का एफिशिएंसी क्या होगा? लाइक 32 माइनस ए प्लस बी। सो 32 माइनस ए प्लस बी इज 28। सो सी का एफिशिएंसी 4।
अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लाइक ऑल थ्री टुगेदर काम किए। सो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर साथ में काम कर रहे हैं तो हम लोगों को सीधा इफिशियंसी के रेशियो में डिवाइड कर देना है। सो 4 / 22 × 24,000 8 3 सो 3,000 आंसर। सो चारू सॉरी चंदू विल गेट 3,000 एज अ वेजेस। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए विथ फ्रेंड्स को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।